सो गाइज आज हमारे पास आ गए पीट्रोन कंपनी की तरफ से आने वाले पीट्रोन बेस सेट्स ईयरबड्स। इस वीडियो में इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले, देखने वाले इनके साउंड क्वालिटी को, इनकी बिल्ड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और इनकी बैटरी को टेस्ट कर लेंगे। प्राइसिंग की बात करें तो आपको 450 रुपये के आसपास अमेजन पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको खरीदना है तो हमेशा की तरह बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइज चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। सो ऑलराइट गाइस, ये हमारे पीट्रोन कंपनी की तरफ से आने वाले पीट्रोन बेस बड्स लाइट का बॉक्स आपको ये ब्लू कलर के ऐसे बॉक्स में मिल जाते हैं। मैं एक बार प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्राइस मेंशन है 2499 रुपये, लेकिन ये आपको अमेजन पे 450 रुपये का मिल जाते हैं। सो गाइस चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या देखने को मिल जाता है। ओके, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दी हुई है। तो ऑलराइट गाइस, ये हमारे ईयरबड सामने की तरफ आपको ये इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, बैटरी इंडिकेटर। यहाँ पीट्रोन की ब्रांडिंग दी हुई है। पीछे की तरफ आपको कुछ बैटरी इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसके पीछे की तरफ यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। ऊपर की तरफ कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। फाइनली इतनी मेहनत के बाद ये खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक बटन देखने को मिल जाता है और ये हमारे ईयरबड्स रखे हुए हैं। मैं एक बार निकाल के आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सो गाइस ये पीट्रोन के बेस बड्स आपको ऐसे मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोनों पे आपको एलईडी इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दोनों पे ही बटन दिया हुआ है, ये टच कंट्रोल के साथ नहीं आते हैं, इनमें आपको बटन देखने को मिल जाता है। बाकी आप देख ही सकते हैं आपको ये कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। सो गाइस चलिए इनको सेटअप कर लेते हैं और देख लेते हैं इनकी साउंड क्वालिटी को। सो गाइस इनकी अनबॉक्सिंग से आपने इनकी बिल्ड क्वालिटी तो देख ली है, मैंने इनको अपने डिवाइस से कनेक्ट भी कर लिया, तो चलिए इनकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं। सो जैसे मैंने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में बताया था, इसका कवर जो है ऊपर का वो काफ़ी टाइट है, इसको थोड़ा सा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। सो गाइज अगर इनकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, बेस भी काफ़ी ज़्यादा दो है। वहीं अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, अगर 500 रुपये का प्राइस कंसिडर करें तो। वहीं अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं बॉक्स थोड़ा सा टाइट है, इसको ओपन करने में आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। अगर मैं बड्स की भी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको एवरेज बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, अगर 500 रुपये का प्राइस देख रहे हैं तो। वहीं अगर इसके कंट्रोल्स की बात करूँ तो इसमें आपको टच कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है, दोनों ही तरफ आपको बटन दिए जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको अगला सॉन्ग प्ले करना है, फिर पिछला सॉन्ग प्ले करना है, या फिर आपको कॉल को रिसीव करना है, रिजेक्ट करना है, सभी चीज़ें आप इन बटन से कर सकते हो। अगर बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको 6 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बॉक्स की बैटरी की बात करूँ तो ये बॉक्स इन ईयरबड्स को 2 बार चार्ज कर देता है। सो टोटल मिला के आपको 6 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाता है। अगर चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो इन्हें फुल्ली चार्ज होने में 2.5 घंटे तक का टाइम लग जाता है। सो गाइस चलिए फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं, आपको ईयरबड्स खरीदने चाहिए नहीं। सो अगर आप 500 रुपये के अंडर कोई भी ईयरबड्स देख रहे हैं, ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स, तो आपको ये पीट्रोन की तरफ से आने वाले पीट्रोन बेस सेट्स आपके लिए डेफिनेटली अच्छी चॉइस हो सकता है। इसमें आपको बेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। वहीं अगर ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाती है। 6 घंटे तक की बैटरी दी हुई है, प्राइस दिया हुआ सिर्फ 450 रुपये, अमेजन पे आपको मिल जाएगा। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों इतना इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।